दोस्तों हम इंसान कुदरत का बहुत ही अनोखा क्रिएशन है. हम सोच सकते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम जन्म लेते हैं और कुछ सालों बाद मर जाते हैं. तो कैसा रहेगा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल इंसान की तरह ही होगा, लेकिन ना तो वो जन्म ले सकता है, ना ही वो मर सकता है, और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम ह्यूमनॉइड बोलते हैं. तो आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे इसी ह्यूमनॉइड के बारे में बताऊंगा, और दुनिया का सबसे पहला ह्यूमनॉइड जिसको कि एक कंट्री का सिटीजनशिप दिया गया है, इसी के बारे में बताऊंगा. मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को पे, आइए जानते हैं. दोस्तों क्या है, टेक्निकली पॉसिबल है कि हम एक रोबोट बनाएंगे और वो ह्यूमंस के साथ कंपेयर किया जा सके? उससे बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे जहाँ पे हम खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम हमारे जैसा ही एक मैकेनिकल डुप्लीकेट क्यों बनाने की कोशिश करेंगे? तो जवाब ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के जो भी काम है, जो भी वर्क्स है, जो भी हम करते हैं, उसको इजी बनाने के लिए, अपने ज़िंदगी को इजी बनाने के लिए हम रोबोट्स बनाते हैं. जब एक रोबोट इंजीनियर रोबोट बनाता है तो उससे पहले वो तीन चीज़ों को ध्यान में रखता है. पहली चीज़ ये है कि वो जो रोबोट वो बनाता है वो उसको देखेगा कि वो किस तरह चीज़ों को सेंस करता है, उसके आसपास की चीज़ों को वो किस तरह सेंस करता है. दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आसपास की चीज़ है उसको देखकर वो किस तरह सोचता है, जो सबसे ट्रिकी होता है इसी बीच. तीसरी चीज़ यही है कि वो जो चीज़ों को वो देखता है उस पर वो एक्शन कैसे लेगा, वो उस पर एक्ट कैसे करेगा. तो हमारी जो साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन बिहेवियर जो भी होता है, उसी की तरह एक ह्यूमनॉइड का भी सेम चीज़ ही होता है. हम जो होता है, हम अपनी पांच सेंस के मदद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं. तो ह्यूमनॉइड को भी बनाने के लिए यही पांच चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. हमारी साइकोलॉजी में जैसे होता है, हम चीज़ों को जिस तरह सेंस करते हैं, जैसे कि एक होता है परसेप्शन. परसेप्शन मतलब हम चीज़ों को किस तरह सेंस करेंगे. दूसरी चीज़ होता है कॉग्निशन, मतलब जो चीज़ें हम देख रहे हैं उस पर हम किस तरह सोचते हैं. तीसरी चीज़ है एक्शन, मतलब हम वो चीज़ों पर किस तरह एक्ट करते हैं. तो ये हमारी साइकोलॉजी में होता है, उसी तरह रोबोटिक्स में भी ये चीज़ें होती है. पहला जो सेंस होता है वो है विज़न होता है, मतलब हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं, हम अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हैं रियल लाइफ में. तो रोबोटिक्स में भी यही होता है, ह्यूमनॉइड में भी यही होता है, लेकिन वहाँ पे उनकी जो आँखें होती है वो डिजिटल कैमराज होते हैं. जैसे कि सपोज़ आप एक रोबोट बनाना चाहते हो, आप एक ह्यूमनॉइड बनाना चाहते हो, जहाँ पे आप एक कार होगा, वो कार में आप एक रोबोट को बिठाओगे और उसको बोलोगे कि आप वो कार को चलाए, तो वहाँ पे आपको ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है, वो रोबोट ही आपके लिए वो काम करेगा. तो उसमें जो डिजिटल कैमराज होते हैं, वो डिजिटल कैमराज क्या होते हैं, आसपास की चीज़ों को वो पहले देखेंगे. फिर उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि GPS सेटेलाइट नेविगेटर होते हैं, तो वहाँ पे आपको रेडर मिल जाएगा, सोनार मिल जाएगा, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होंगे, एक्सेलेरोमीटर्स होंगे. तो इन सब सेंसर्स के मदद से पहले वो जो रोड होता है, रोड का वो एक 3D वर्ल्ड क्रिएट करके आपके सामने दिखाएगा. उसके बाद सपोज़ वो रोड के आगे कोई बच्चा आ गया, तो वो क्या करेगा ना, वो बच्चा को पहले देखेगा, उसके बाद डिजिटल कैमराज के मदद से वो बच्चा को वो देखेगा, उसके बाद उसके अंदर जो भी पैटर्न फीड होगा उसके बारे में वो सोचेगा कॉग्निशन के मदद से. सोचने के बाद उस पर वो एक्ट करेगा, जो भी पैटर्न उसके अंदर फीड होगा, तो जब भी वो बच्चा को देखेगा तो उसके अंदर वो जो पैटर्न जब भी वो मैच कर जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि वो एक बच्चा है. उसके बाद वो उस पर एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, साइड से कार को मूव करके ले जाएगा. जैसे हम रियल लाइफ में एक ड्राइवर करता है वैसे ही वो करेगा. और एक सेंस होता है वो है हियरिंग, हम अपने कानों की मदद से सुनते हैं. वैसे ही ह्यूमनॉइड जो होते हैं उसके अंदर माइक्रोफोन होता है, वो माइक्रोफोन के मदद से जो भी आप बात करते हो वो साउंड को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो डिजिटल प्रोसेसिंग करता है. तो उसके अंदर वो जो ह्यूमन स्पीच होता है, वो ह्यूमन स्पीच को वो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए उसको वो कन्वर्ट करता है और वो पैटर्न को अपने अंदर लेता है. सपोज आप उसको उस पर कुछ चिल्लाए हो, तो आप जब चिल्लाते हो तो वो साउंड में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है. वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ह्यूमनॉइड उसको पिक करता है, उसके बाद वो मैच करने की कोशिश करता है उसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी के साउंड से. जब भी वो मैच हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप उस पर चिल्ला रहे हो. तो इसी तरह वो भी हियरिंग का जो सेंस है उसके अंदर इसी तरह वो काम करता है. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये स्मेल किस तरह करता होगा, तो ये भी बहुत ही सिंपली है. यहाँ पे सब सेंसर्स का काम ही होता है. तो वहाँ पे केमिकल रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, बहुत सारे डिटेक्टर्स जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर्स या फिर गैस क्रोमाटोग्राफ्स, ये हो सकते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है. लेकिन ह्यूमनॉइड में एक चीज़ नहीं होता है जो कि ह्यूमंस में होता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. वो होता है लेकिन कुछ हद तक होता है, लिमिटेड होता है.
वहां पे सिर्फ प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो इमोशन को डिटेक्ट कर सके और उस पर वो रिएक्ट कर सके, लेकिन अपने अंदर से वो इमोशन नहीं होता है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करता है। तो ये एक चीज ह्यूमनॉइड में नहीं होता है। ये तो रहा ह्यूमनॉइड के बारे में, ह्यूमनॉइड किसको बोलते हैं, तो अब जानते हैं एक ह्यूमनॉइड के बारे में जिसका नाम सोफिया है। तो ये जो ह्यूमनॉइड है ये पहली ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड है जिसको कि एक कंट्री का सिटीजनशिप दिया गया है और वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने इसको अपने कंट्री का एक सिटीजन माना है। तो इसको एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ने बनाया जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स। और ये जो है ये इसके अंदर कैमराज होते हैं और इसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से, जिनके मदद से वो उसको अलाउ करता है आई कॉन्टैक्ट करने के लिए और वो अच्छी तरह स्मार्टली लोगों के साथ बात कर सके। और जो इसका जो इन्वेंटर है, जो इसको बनाए हैं, जिनका नाम है डेविड हैंसन, तो उनका मानना यही है कि वो बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग को जिनको असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो उनको वो सोफिया के ज़रिए उनको वो मदद कर सकते हैं। और बहुत सारे जनरल पब्लिक है जो कि इवेंट्स में या फिर पार्क्स में जो होते हैं, ये रोबोट के ज़रिए उनको वो मदद कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया ह्यूमनॉइड के बारे में, किस तरह एक ह्यूमनॉइड काम करता है और सबसे पहला ह्यूमनॉइड जिसका नाम सोफिया है उसको सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन माना गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।